So, दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, टोलमैन और गुथरी की थ्योरी। भाई टोलमैन की थ्योरी है बहुत ही छोटी सी थ्योरी है, गुथरी की भी बहुत छोटी सी थ्योरी है, तो दोनों थ्योरी को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, टोलमैन से। टोलमैन का पूरा नाम क्या है, एडवर्ड सी टोलमैन। ठीक है, तो ये क्या है, साइन लर्निंग थ्योरी। ठीक है, इसको दूसरा नाम क्या है, साइन लर्निंग थ्योरी। साइन लर्निंग यानी कि साइन से सीखना, ठीक है, साइन से सिंबल्स के थ्रू सीखना। टोलमैन थ्योरी ऑफ साइन लर्निंग, एन ऑर्गेनिज्म लर्न बाय परस्यूइंग साइंस टू अ गोल, दैट इज लर्निंग इज एक्वायर्ड थ्रू मीनिंगफुल बिहेवियर। ठीक है भाई, आप क्या करते हैं, आप ड्राइव करते हो, आप में से बहुत सारे व्यक्ति, मतलब ऑलमोस्ट सभी आप क्या करते हो, ड्राइव करते होंगे, है ना, स्कूटी चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, कुछ भी चलाते होंगे। तो आपके क्या है, रोड पर क्या है, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं ना, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, रेड लाइट होती है तो आपको पता है कि आपको रुकना है, ग्रीन होती है तो वहां से चल सकते हो आप, है ना, आप क्रॉस कर सकते हो। उसके अलावा यू टर्न का सिंबल से आपको पता चल जाता है कि यहाँ से वापस मुड़ना है ना। बोर्ड 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 लगे होते हैं बड़े बड़े कि भाई आपको कहाँ जाना है, नोएडा की साइड जाना है ना, गुड़गांव जाना है, तो वहां पे क्या है, डायरेक्शन लिखा होगा कि भाई गुड़गांव जाना है तो सीधा जाना है आपको 200 किलोमीटर, है ना, लेफ्ट जाना है आपको 300 किलोमीटर, है ना, तो वहां से ऐसे आपको अंदाजा लग जाता है कि भाई किस डायरेक्शन में मुझे जाना है। तो साइन के थ्रू आपकी लर्निंग हो रही है, साइन को देख करके आप अपने आपको जहां जाना है आप वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग क्या होती है हमारी, लेटेंट लर्निंग इज द सबकॉन्सियस रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट रीइंफोर्समेंट और मोटिवेशन। ठीक है भाई, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे। ठीक है, लेटेंट लर्निंग रेफर्स टू नॉलेज दैट ओनली बिकम्स क्लियर व्हेन अ पर्सन हैज एन इंसेंटिव टू डिस्प्ले इट। ठीक, तो भाई एक मेज एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, मेज एक्सपेरिमेंट, जो आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे, है ना, लास्ट में दिया होता है कि भाई एक भूल भुलैया सी बनाई गई है, उसमें क्या है, चूहा है, उसमें से निकालना है, या फिर एक बच्चा है उसको उसमें से होकर निकलना है। ठीक है, तो उस वक्त देखते होंगे, है ना, न्यूज़पेपर्स में, बाकी यही है हमारा मेज एक्सपेरिमेंट में। तो उसमें क्या दिखाया गया है भाई, कुछ बच्चे थे या फिर कुछ चूहे थे, उसमें वो क्या है, हमारा चूहे का एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें बहुत सारे चूहे लिए गए, तो जिनको उसकी खुशबू सुंघाई गई, जिसको चीज की खुशबू सुंघाई गई, तो वो क्या है, वो जल्दी अपने गोल तक पहुंच गए, है ना, वो जल्दी उस भूल भुलैया को पार कर गए। लेकिन जिनको नहीं सुंघाई गई तो वो क्या है, वो देर में पहुंचे। ठीक है, जो मतलब कि यही चीज है कि अगर उनका क्या है, मोटिवेशन उनको मिल गया है ना, वो मोटिवेटेड है कि भाई उन्हें खाना मिले, खाना वो खाना है, उन्हें खुशबू सुंघाई गई है, तो वो क्या है, खुद ब खुद चलने लग गए, है ना, वो अपने ही मतलब जल्दी पहुंच गए, वो बाकी क्या है, अपना आराम से मस्ती से आराम से निकले वो, तो उन्हें ज्यादा टाइम लग गया बजाय उनके कि जो चूहे मोटिवेटेड थे, मतलब कि जिनको खुशबू सुंघाई गई थी, वो जल्दी से पार कर गए। यही था इस एक्सपेरिमेंट में, यही इस पूरी थ्योरी में है कि भाई अगर हमारा मोटिवेशन होता है, हम मोटिवेटेड होते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी भी काम को जल्दी से कर लेते हैं, है ना, अगर हम मोटिवेटेड नहीं होते तो भी हमें टाइम लगता है, और हो सकता है काफी लोग वो काम ना ही कर पाए। ठीक है, तो अब हम हमारी सेकंड थ्योरी आती है, कौन सी, एडवर्ड रे गुथरी जो थ्योरी है। तो भाई एडवर्ड रे गुथरी की थ्योरी जो है, उसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं, ये हमारी एक कॉन्टिन्यूस थ्योरी भी बोली जाती है ना, इसको हम एक कॉन्टिन्यूस थ्योरी बोल सकते हैं। उसके अलावा और क्या क्या नाम हो सकते हैं इस थ्योरी के, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, है ना। सब्स्टिट्यूशन यानी क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूट, है ना, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन होता है, आप खेल रहे हैं 11 खिलाड़ियों के साथ, आप मैदान में उतरे हैं, क्रिकेट टीम है, 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस होता है वो आपका कितना होता है, 13 से 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस होता है। जब किसी भी खिलाड़ी को चोट लगती है ना, आपने बहुत बार देखा होगा कोई खिलाड़ी इंजर्ड होकर बाहर गया, है ना, या फिर विराट कोहली ने या फिर कोई भी खिलाड़ी ने शतक मारा, पूरी इनिंग्स तक 50 ओवर्स तक बैटिंग करी, तो वो कुछ समय तक मैदान से बाहर रहा, अपनी जगह अपना सब्स्टिट्यूट भेज दिया फील्डिंग करने के लिए, है ना, जो पूरी प्लेइंग 11 में नहीं था। ठीक है, यही होता हमारा सब्स्टिट्यूट, मतलब उसका रिप्लेसमेंट, उसको किसी खिलाड़ी ने रिप्लेस कर दिया, वो होता है हमारा सब्स्टिट्यूट। तो भाई इसको और क्या बोला गया है, एकल प्रयास का सिद्धांत,
है ना, इस थ्योरी को क्या बोला गया है, एकल प्रयास का सिद्धांत। अब बिहेवियर विल बी रिपीटेड इफ द सेम सिचुएशन इज एक्सपीरियंस्ड अगेन। तो भाई इन्होंने क्या बोला है, अगर कोई कोई भी व्यक्ति, इंसान, जानवर, है ना, कोई भी अगर एक सिचुएशन से फैमिलियर है, वर्सेंट है, तो वो क्या है, अगली बार उस सिचुएशन से जल्दी निकल पाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने अभी किसकी, चिंपैंजी की थ्योरी थी, जिसका नाम था, मतलब जिसमें चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो उसमें क्या था भाई, वो उस सिचुएशन से फैमिलियर हो गया, है ना, उस वो क्या, स्टार्टिंग में उसे ज्यादा टाइम लगा, फिर नेक्स्ट टाइम कम टाइम लगा। बिल्ली की थ्योरी थी हमारा, है ना, थोंडाइक की थ्योरी थी, तो उसमें क्या है, लीवर प्रेस करने में पहले ज्यादा टाइम लग रहा था, धीरे धीरे उस सिचुएशन से वो फैमिलियर हुई बिल्ली, उसके बाद उसे कम कम समय लगा बाहर आने में। ठीक है, यही चीज है। तो अब हम कोल्ब्स की साइकिल को जानेंगे। ठीक है भाई, ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई, इसमें भी इतनी सी ही बात थी बस, जो हमें मेन मेन चीजें याद रखनी है। इसके बाद हम कोल्ब्स की थ्योरी को पढ़ते हैं, है ना, बहुत समय बचा है तो अब कोल्ब्स की थ्योरी को देख लेते हैं। तो भाई अब हम क्या बात करने वाले हैं, कोल्ब्स की लर्निंग साइकिल को। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, चार पॉइंट बोले हैं, चार स्टेजेस में ये थ्योरी कंप्लीट है। भाई आप क्या है, शादी में गए, ठीक है, चल सबसे पहले चार पॉइंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से हैं, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन, एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो ये चार पॉइंट है आपके, जिसमें आपकी पूरी थ्योरी है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमारा क्या आता है, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। भाई आप गए शादी में, है ना, शादी में गए, आपके सारे दोस्त वगैरह आए हुए हैं, है ना, आपके स्कूल में आपके साथी, आपके कलीग्स, सब क्या है, आए हुए हैं उस पार्टी में, उस शादी में। तो आप क्या है, बिल्कुल बन ठन के गए, बिल्कुल तैयार होकर के, है ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर गए। तो आपने देखा कि लोगों ने आपके ऊपर कुछ राय भी दी, है ना, आपके दोस्त वगैरह से आप मिले तो उन्होंने बोला, भाई आज तो अच्छा लग रहा है ना, तेरी टाई बड़ी मस्त लग रही है, तेरा कोट बड़ा मस्त लग रहा है ना। तो आपको क्या, आपने वहां पर क्या किया, देख रहे हैं आप, है ना, चीजों को फील कर रहे हैं कि उसने क्या क्या बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, आप घर आए, है ना, आपने सोचा कि भाई उसने मेरे लिए ये कमेंट किया था, है ना, ये कमेंट किया था, फिर तो फिर उस आपने सब कुछ एनालाइज किया, भाई ये हुआ मेरे साथ आज। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आता हमारा थर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन होता है कि भाई सारी चीजें आपने देखी, है ना, सोची, तो उसके बाद आपने देखा कि भाई मैं और क्या क्या कर सकता था, है ना, भाई इसके साथ अगर मैं ये वाले शूज पहनता तो मजे आ जाता, है ना, सभी लोग मुझे देख रहे होते, अभी भी 50% लोगों की तो मैंने अटेंशन ले ली, है ना, अटेंशन पा ली, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर देता, थोड़ा सा और अच्छा कर देता, तो भाई और अच्छा, मतलब कि सभी लोगों की अटेंशन मेरे पास होती, है ना, सभी मुझे देख रहे होते, तो मैं और ऐसा क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक, तो उसके बाद हमारा लास्ट आता है फोर्थ। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ है हमारा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तो भाई अगली बार जब आप शादी में जाएंगे, तो अगली बार जब शादी में जाएंगे तो क्या आप क्या करेंगे, आपने जो सोचा कि भाई मैं ये शूज पहनता, है ना, इस तरीके से जाता, इस गाड़ी में जाता, है ना, तो सबकी अटेंशन मिलती मुझे, तो आप अगली बार क्या करेंगे, वही चीज करेंगे, वही चीज अप्लाई करेंगे कि आपको सबकी अटेंशन मिलेगी, है ना, आप सब आप ही को देख रहे होंगे, तो इस ये सब करने के लिए आप क्या करेंगे, सब कुछ बिल्कुल तैयार होकर अच्छे से जाएंगे। ठीक है, यही इस थ्योरी में था। एक बार और दोबारा से नजर मार लेते हैं इस थ्योरी पर। भाई सबसे पहले हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस। ठीक है भाई, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, चीजों को फील कर रहे हैं, किसने क्या पहना है, है ना, भाई मैं अच्छा लग रहा हूं, नहीं लग रहा, है ना। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन आया, जहां पर आप घर पर आकर सोच रहे हैं, है ना, देख रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, जब आप थिंक कर रहे हैं कि भाई किसने क्या प्रतिक्रिया दी, है ना, कौन कैसा लग रहा था। उसके बाद हमारा आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, जब आप सोचते हैं और काम करते हैं, है ना, आपने सोच लिया कि भाई मुझे ये चेंज करना चाहिए था, उसके बाद आपने उस वही काम किया। ठीक है, तो आपकी ये तीनों थ्योरी आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, गुथरी टोलमैन और गुथरी की थ्योरी, है ना, दो ये थ्योरी आपने पढ़ी और एक कोल्ब्स की थ्योरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी तीनों थ्योरी कंप्लीट है।